अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। यस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भाजपा के किस पूर्व सांसद का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए सत्यदेव सिंह, बी राणा सिंह, सी अमित सिंह या डी सुरेश सिंह। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले न्यूज नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर नाथनगर में नाबालिग प्रेमी प्रेमिका की जान पुलिस ने बचाई। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग प्रेमी जोड़ी का प्यार परवान चढ़कर बोल रहा था इस कदर कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जान देने के लिए तुल गए। सुसाइड की सूचना मिलने पर मौके पर नाथनगर थाने की पुलिस पहुंचकर नाबालिग को अपनी हिरासत में लेकर थाने लाया, फिर परिवार वालों के बीच समझा बुझाकर प्रेमी जोड़े को एक दूसरे का घर भेज दिया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग प्रेमी को कहलगांव के एक नाबालिग लड़की से प्यार हो गया था। दोनों एक साथ भाग भी निकले। लड़के के परिजन और लड़की के परिजन काफी खोजबीन के बाद दोनों को अपने अपने घर लाया और दोनों को नाबालिग की बात कहकर एक दूसरे से अलग रहने की बात कही। फिर क्या दोनों प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की बात कह दोनों जान देने को तुले थे। वहीं मौके पर इसकी सूचना नाथनगर थाने को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों की जान बचाकर दोनों नाबालिग को समझा बुझाकर एक दूसरे के परिजनों को पुनः सौंप दिया गया। दोनों के लिए, दोनों को, लड़का लड़की दोनों के लिए चाहिए। क्या कहा गया? लड़की लड़की वही है, लड़का कमाए रही लड़की साहब। ना ना ये लड़की नहीं चाहिए, ना दस्ती वही लड़की। हाँ, नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। गोलियों की आवाज से थराया नारायणपुर गांव, लोगों ने घर में छिपकर बचाई अपनी जान। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे गोलियों की आवाज से नारायणपुर गांव थर्रा उठा। लोगों ने घर में छिपकर जान बचाया। गोली चलने पर लोग इधर उधर भागने लगे, चारों तरफ भागदौड़ होने लगा। वहीं गांव में भागो बचाओ का आवाज गांव में आने लगा। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर क्या हुआ, गोलियां चल रही है, लोग भाग रहे हैं। इस बीच नारायणपुर निवासी बनारसी यादव का 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार को एक गोली पीठ में लगी और वह गिर पड़ा। मौके पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस ने वाहन से पीएससी नारायणपुर इलाज के लिए पहुंचाया। डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जख्मी को पीठ में दाहिने तरफ गोली लगी थी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज रेफर कर दिया गया। वहीं जख्मी प्रिंस के परिजन मुखिया नरेंद्र कुमार, पिता बनारसी यादव सहित सबों ने कहा कि प्रमुख पति मंटू यादव ने ही खदेड़कर गोली मारा है। गोलीबारी की घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीण एवं परिजनों ने मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी अधिवक्ता सिकंदर यादव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर टायर जलाकर 3 घंटे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस प्रमुख पति मंटू यादव को मदद कर रही है, लेकिन भवानीपुर पुलिस ने घटना के समय ही प्रमुख पति मंटू यादव को हिरासत में ले लिया था। जाम की सूचना पर बीहपुर झंडापुर खरीक नदी थाने की पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर NS चौहान दलबल के साथ पहुंचे। नारायणपुर गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जाम की सूचना पर SDPO दिलीप कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर लोगों से बातचीत के आश्वासन के बाद जाम हटाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने DSP को बताया कि मंटू यादव तेल, गैस, पेट्रोल सहित अन्य प्रकार के कालाबाजारी का गोरख धंधा कर अकृत संपत्ति जमा कर लिया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे ही डीजल केरोसिन के टैंकर से डीजल केरोसिन निकालकर काले बाजारी में ऊंचे दाम पर बेचते हैं। नारायणपुर प्रमुख पति मंटू यादव, अधिवक्ता सिकंदर यादव सहित 15 लोगों पर गोलीबारी की प्राथमिकी दर्ज, प्रमुख पति समेत 2 गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नगरपारा उत्तर पंचायत के नारायणपुर गाँव
में शुक्रवार की सुबह गोलीबारी की घटना में जख्मी प्रिंस यादव के चाचा घनी यादव के द्वारा भवानीपुर ओपी में प्रमुख पति मंटू यादव, अधिवक्ता सिकंदर यादव सहित 15 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना को लेकर भवानीपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलीबारी के आरोपी प्रमुख पति मंटू यादव व विपिन यादव को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया। इधर मुख्य आरोपी अधिवक्ता सिकंदर यादव की गिरफ्तारी के लिए सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि जख्मी प्रिंस के चाचा घनी यादव ने प्रमुख पति मंटू यादव सहित अधिवक्ता सिकंदर यादव, वीरो यादव, तीरो यादव सहित कई अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में घनी यादव ने कहा है कि मेरा भतीजा प्रिंस को प्रमुख पति मंटू यादव ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारा है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। ढोलबज्जा, शिकारियों ने घघरी धार में मछली में डाला जहर, गड़ोर ने खाया, किसान की मदद से बचाई गई जान। बीते गुरुवार को बाबा विश्व राउत मंदिर के समीप घघरी धार में किसी अज्ञात पक्षी शिकारियों ने मछलियों में जहर डाल दिया जिससे गड़ोर ने खा लिया। वहीं पास खेत में काम करने वाले पकड़ा टोला कदवा से गए किसान नवीन व वीरेंद्र सिंह ने जहर के नशे में पड़े गड़ोर को उठाकर अपने क्षेत्र लाया, जहां उप मुखिया प्रतिनिधि ने इसकी सूचना डॉक्टर नगीना राय को फोन पर दिया। वहीं नगीना राय ने मौके पर पहुंचकर गड़ूर को उठाकर अपने घर लाया और नमक पानी की घोल देकर गड़ूर को उल्टी करा एट्रोपीन सुई लगाकर देर रात बेहतर इलाज के लिए सुंदरवन भागलपुर ले गए, जहां चिकित्सक ने देख रेख कर पुनः फॉरेस्ट विभाग के टीम शुभम कुमार के साथ डॉक्टर नगीना राय व राजीव कुमार के साथ अन्य ने गड़ूर को बालूघाट समीप कोसी धार में छोड़ दिया। नवगछिया, मास सिकिंग में 59 लोगों एवं 8 वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को मास सिकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 59 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करते हुए पकड़ा गया, जिससे जुर्माना वसूल किया गया है। सभी से पुलिस ने कुल 2950 रुपए जुर्माना वसूला है। वहीं इस दौरान 8 वाहन चालकों से 6500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया, भाजयुमो ने अटल जी को किया याद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नवगछिया द्वारा स्थानीय तित्री दुर्गा मंदिर परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं स्वच्छता कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रूपेश रूप, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार सहित भाजयुमो के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवगछिया, ई किसान भवन में पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को किसानों ने उत्साहपूर्वक सुना। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित के लिए लाए गए बिल व किसानों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव किसानों व एनडीए के नेताओं ने सुना। वहीं इस अवसर पर नवगछिया के प्रभारी अभय वर्मन, गोपालपुर विधानसभा प्रभारी अनिल यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया, वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नवगछिया के तुलसीपुर गांव में किया गया तुलसी पूजन। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर के दिन खरीक के तुलसीपुर स्थित ज्ञान ज्योति स्कूल में पवन झा के नेतृत्व में तुलसी पूजन किया गया। मौके पर हरिवंश झा, नंदकिशोर कुमार, विक्रांत वैभव, गोपाल झा, अर्जुन भागवत, संतोष कुमार, शिवम कुमार झा, डिंपल कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे।
गोपालपुर, आग लगने से कई घर जलकर हुआ राख। शुक्रवार की दोपहर को आग लगने से गोपालपुर प्रखंड के तिनटेंगा करारी व गोसाई गांव में कई घर जलकर राख हो गए। तिनटेंगा करारी पंचायत के उप मुखिया पति अनंत यादव ने बताया कि आग लगने से गोपाल मंडल, दिनेश मंडल, सिंटू मंडल व मासूमत रानी देवी का घर जलकर राख हो गया। घर में रखा सभी सामान, नगदी राशि जल जाने के कारण पीड़ित परिवार को भोजन के भी लाले पड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से पीड़ित परिवार को भोजन उपलब्ध कराया गया। अंचलाधिकारी व गोपालपुर थाने की पुलिस को आग से घर जलने की सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नवगछिया, दो टेम्पो के आमने सामने की टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल, मायागंज रेफर। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के 14 नंबर रोड गरैया के पास देर रात दो टेम्पो के आमने सामने की हुई टक्कर में आधा दर्जन सवारी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक टेम्पो भागलपुर से नवगछिया की ओर जा रहा था तो दूसरा टेम्पो नवगछिया से भागलपुर की तरफ जा रहा था। घायलों में भागलपुर से नवगछिया आ रहे टेम्पो के सवारी गोपालपुर थाना क्षेत्र के 83 निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र मंडल, मकनपुर निवासी 30 वर्षीय पंकज, नौगछिया बाजार के नोनिया पट्टी के 25 वर्षीय ओम कुमार घायल हो गया है, जिसे परबत्ता पुलिस के द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया के एम्बुलेंस से भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। नवगछिया, रंगरा पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान, तीन फरार वारंटी गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर तीन फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार वारंटी में भवानीपुर निवासी कैप्टन यादव, रंगरा निवासी भोला ततमा और राजू मंडल है। थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर तीनों आरोपियों को उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313।
8313। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंत नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।